से पहले आम लोगों को तगड़ा झटका लगा है। त्योहारी सीजन में एक बार फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। नवंबर शुरू होते ही एलपीजी सिलेंडर पर महंगाई का बम फूटा है। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर से तगड़ा इजाफा किया है। 1 नवंबर 2023 से 19 किलोग्राम वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 100 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक आज से 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर राजधानी दिल्ली में 1833 रुपए में मिलेगा, जो कि पहले 1731 रुपए में मिल रहा था। अन्य महानगरों की अगर बात करें तो मुंबई में इसकी कीमत बढ़कर 1785.50 रुपए हो गई है, जो पहले 1684 रुपए का था। वहीं कोलकाता में 1839.50 रुपए की जगह अब 1943 रुपए का बिकेगा। तो चेन्नई की अगर बात करें तो उसकी कीमत 1999.50 रुपए हो गई है, जो अब तक 1898 रुपए थी। एक और जहां बीते महीने सरकार ने 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर पर राहत दी, तो वहीं पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में महीने भर में 300 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी कर महंगाई बम फोड़ा है। पहली अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर के दाम करीब 209 रुपए तक बढ़ाए गए थे और एक महीने बाद यानी 1 नवंबर को इसमें और इजाफा किया गया है। कोलकाता में सिलेंडर के दाम में सबसे ज्यादा 103.50 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। फेस्टिव सीजन में दिवाली से एन वक्त पहले जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों पर झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें वैसी की वैसी है, जो राहत भरी बात है। हर महीने की पहली तारीख को होने वाले गैस की कीमतों में संशोधन के तहत इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले अगस्त महीने में सरकार ने इनकी कीमतों में 200 रुपए की कटौती कर लोगों को बड़ा तोहफा दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते 30 अगस्त को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की थी, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिली। जबकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी को 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए किया गया था। बता दें कि लाभार्थियों को इसके बाद भी 100 रुपए का और लाभ दिया गया था। फिलहाल आम उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 903 रुपए, कोलकाता में 929 रुपए, मुंबई में 902.50 रुपए और चेन्नई में 918.50 रुपए का मिल रहा है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।